अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का मॉड्यूल नंबर 215 है, जिसमें आज हम लोग जो टॉपिक्स क्लियर करेंगे वो हमारे पास प्रेजेंटेशंस के हैं MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, जिसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं, और इन दोनों को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं पावर पॉइंट का। तो इसमें क्या लिखता है कि एक पावरफुल टूल है हमारे पास पावर पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसमें होता है क्या है कि ये एक पावरफुल टूल इसलिए है कि हम लोग इसको प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो एक स्कूल का टीचर हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो जो अपनी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन दे रहा है, या फिर वो कंपनीज हो, कंपनीज की प्रेजेंटेशन है, तो सब लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कैसे जो है वो पावरफुल है। तो आगे ही इसने उसका टूल बार दिया हुआ है, हम आगे जाके खुद देखेंगे। तो पहले हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, और ये हमारे पास उसका जो है ना वो आ गया लेआउट। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन में जो हमें हम चीज़ दे रहा है वो हमारे पास पहले आ रही है स्लाइड ग्रुप में, जो हमारे पास होम रिबन है उसमें। तो अभी पिछली एक चीज़ भी रिवाइज कर लेते हैं कि ये सब कुछ हमारे पास जो है ये क्या है, टैब। इन टैब के अंदर ये जो सारे ग्रुप्स हैं ये कलेक्टिवली क्या है, हमारे रिबन है। रिबन के अंदर ये सारे जो है ये बने हुए हैं, जो लाइन्स हैं उन्होंने सेपरेट किए हुए हैं, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। और ग्रुप्स के अंदर ये जो हाईलाइट होकर ये अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, ये सारे जो हैं वो हमारे पास कमांड्स हैं। तो आगे हमारे 216 मॉड्यूल में हमें उसने चार चीज़ें बताई हैं, न्यू स्लाइड है, लेआउट है, रीसेट है और डिलीट है। तो हम इसको एक बार परफॉर्म करके देख लेते हैं। ये हम आ गए हैं होम का, हमारा रिबन ओपन है और इसमें हम देख रहे हैं न्यू स्लाइड। अब आप अगर इधर देखें तो न्यू स्लाइड यहाँ पर पहले एक थी, अब दो है और अब यहाँ पर तीन हो गई है, ठीक है। लेआउट भी यहाँ पर है और इसमें लेआउट में देखें आपके पास डिफरेंट लेआउट के डिज़ाइन हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप रख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई लेआउट पसंद है, इसमें से मुझे ये लेआउट अच्छा लग रहा है, तो अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जीनियस जेट, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये कोई भी चीज़, ये मैंने लिख दिया अपना, ठीक है। यहाँ पर ही हमारा लेआउट है, इसको हम इस तरह बता सकते हैं। उसके बाद आगे सेक्शंस वगैरह हम इसमें सेक्शंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद वो कहता है कि आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, सिर्फ राइट क्लिक करना है और आपको डिलीट स्लाइड नज़र आएगा और आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, बस इसमें यही काम करने वाला है। और यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो गया। अगर 217 देखते हैं, हमारे पास सारा डिज़ाइन रिबन कि हम लोग स्लाइड्स को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो स्लाइड्स को डिज़ाइन करना है तो हम डिज़ाइन में चलते हैं। तो अब हमारे पास डिज़ाइन में ये डिफरेंट डिज़ाइन आ रहे हैं, आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं इनमें से अगर कोई एक डिज़ाइन मैं इसके ऊपर होवर कर रही हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे डिज़ाइन जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, ये सारे डिज़ाइन हमारे पास चेंज हो रहे हैं। अब मुझे ये वाला डिज़ाइन पसंद है तो मैं ये डिज़ाइन लगा दूँगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और प्यारा बनाने के लिए हम इसका लेआउट चेंज कर लेते हैं। इसका लेआउट हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला देख लेते हैं, ये ठीक लगता है, ये भी नहीं ठीक लग रहा, तो खैर छोड़ें जो भी है। तो अब हमने इसका ये देखें, अगर हमने एक का डिज़ाइन हमने चेंज किया है तो उसके साथ जो है वो हर किसी का जो डिज़ाइन है वो चेंज हो रहा है, वो किसी एक का नहीं कर रहा। जितने भी हम लोग पेजेस ऐड करेंगे वो हर एक पेज का लेआउट जो है वो उसका डिज़ाइन जो है वो चेंज कर देगा। तो इसके अंदर डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट कलर्स हैं। तो ये हमारा हो गया क्लियर। आगे देखते हैं कि उसने आगे क्या लिखा हुआ है। अब 218 आ रहा है, 218 में वो लिखता है क्या है, स्लाइड की ट्रांजिशन करनी है और इसके अलावा इसमें साउंड ड्यूरेशन अप्लाई ऑल वगैरह भी देखना है। तो ट्रांजिशंस में चलते हैं। यहाँ पर आप देखें तो अब हमारे पास जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक और स्लाइड ऐड कर लेती हूँ, यहाँ पर भी मैं कुछ भी लिख देती हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ जो है वो लिखना लाजमी है, ताकि जब हम लोग इसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करें तो वो हमें अप्लाई हुई जो है वो सही तरह से नज़र आए। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब हम ट्रांजिशंस में चलते हैं। ट्रांजिशंस क्या है कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिशंस के डिज़ाइन हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक ट्रांजिशन फर्स्ट में डाल देती हूँ कि मुझे ये वाली दिखाओ स्प्लिट करने वाली, ठीक है, ये आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है। अब आप थोड़ा सा अगर नीचे देखिए, अगर मेरा माउस शो हो रहा है तो यहाँ पर आ रहा है स्लाइड शो। अगर मैं स्लाइड शो पर क्लिक करती हूँ तो ये देखें ऐसे मेरी प्रेजेंटेशन ओपन होगी, फिर मैं एक और क्लिक करूँगी तो मेरी अगली, फिर उससे अगली जो है वो नज़र आएगी। तो अगर मैं इसको बंद करती हूँ, और अगर हर एक के ऊपर अलग लगेगा, हमने इसके ऊपर स्प्लिट लगाया सेकंड पे करेंगे तो हम इस पर पुश कर देते हैं, और जो थर्ड है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेप वाली लगा देते हैं। अब इसको दोबारा हम स्लाइड शो करके देखते हैं तो ये पहली थी, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी ये दूसरी आ रही है, फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये तीसरी चेंज हो गई है।
तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन हो गई है। उसके बाद वो कहते हैं इसमें आप साउंड्स ऐड कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन बता सकते हैं, और अप्लाई टू ऑल का मतलब है कि हर किसी पे अगर आपने अप्लाई करनी है तो अप्लाई भी कर सकते हैं। एडवांस स्लाइड्स वगैरह भी हैं इसमें। उसके बाद चलते हैं फिर बुक पे वापस। प्रेजेंटेशंस के एनिमेशन रिबन आ गए हैं अब हमारे पास, बस इसमें ये लास्ट है। एनिमेशंस लगा सकते हैं, एनिमेशंस हम किस पे लगा सकते हैं, वर्डिंग्स पे। ठीक है, आपने याद रखना है कि एनिमेशन सिर्फ वर्ड्स पे लगे, क्योंकि हमने वर्ड कैसे शो करना है। फॉर एग्जांपल जीनियस जेड है, तो मैं इसको कहती हूँ कि ये अपीयर हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो माई चैनल लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसको फ्लोट इन कर दो। इसमें जो लिखा हुआ है इसको ऐसे करो, फ्लो स्प्लिट करो, हर एक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लगा के देखते हैं कि हर एक का जो है ना वो क्या निकलेगा रिजल्ट। इसका फेड कर देते हैं। फिर हम चलते हैं स्लाइड शो पे, तो आपको ये नज़र आएगा। क्लिक करें, जीनियस सेट आया, फिर क्लिक करें तो माई चैनल आ रहा है, फिर क्लिक करें तो हमारी सेकंड स्क्रीन आएगी, फिर क्लिक करें तो ये सब कुछ जो है ना वो एक एक स्टेप के साथ लिखा हुआ आएगा। क्योंकि प्रेजेंटेशन ऐसे ही होती है, एक दफ़ा में तो सारा कुछ वो लिखा हुआ नज़र नहीं आता हमें भी। तो यहाँ पर हमारा ये कम्प्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने एम एस एक्सेल की तरफ, क्योंकि हमारा पावर पॉइंट कम्प्लीट हो गया और ये बहुत मज़े का था मेरे ख्याल से। तो अब हमारा आ रहा है एम एस एक्सेल, तो हम पावर पॉइंट को बंद कर लेते हैं, डोंट सेव, और एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। हमें इसका भी ब्लैंक वर्कशीट चाहिए। ठीक है, पहले हम इसको एक दफ़ा रीड करते हैं कि ये है क्या। तो वो कह रहा है कि आप लोग, आप पुराने ज़माने में जो था, जब एम एस एक्सेल नहीं था तो वो क्या करते थे, कॉपी होती थी, उस रजिस्टर के ऊपर ही लाइनें लगाई होती थी। अगर पुरानी अभी भी हम किसी दुकान पे जाके देखें तो उन्होंने रजिस्टर पे लाइनें लगाई होती हैं, और लाइनें लगा के नाम, उसके आगे कितना उसका खाता है, सारा कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो अब एम एस एक्सेल जो है वो उसको कह रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है हमारे पास, न्यू किस्म का हमारा जो है वो सारा काम हो गया, इसके ऊपर हम अपना सारा फाइनेंस और सारा जो खाता वगैरह उसके ऊपर ही लिखते हैं हम। तो अब ये वाला जो सिस्टम है ये हमने ख़त्म कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक वो चीज़ लिखता है, द की बेनिफिट ऑफ़ यूजिंग अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज़ दैट यू कैन मेक चेंजेस इजीली, इंक्लूडिंग करेक्टिंग स्पेलिंग्स, वैल्यूज, एडिंग, डिलीटिंग एंड फॉर्मेटिंग। तो ये आप एक दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के जो है ना वो यूज़ बेनिफिट्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई आ गया तो आप लिख सकें। तो ये जैसे मैंने बताया पहले रजिस्टर पर लाइन और इस तरह का बना हुआ आता था, तो आप ऐसा नहीं होता। तो सेल्फ फॉर्मेटिंग चार्ट्स और क्रिएटिंग अ चार्ट्स, ये सारी चीज़ें हम चल के अब एम एस एक्सेल पर देखते हैं। उसके बाद इसके फंक्शंस हैं बस, और इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एप्लीकेशन है। अच्छा, एम एस एक्सेल है ये। एम एस एक्सेल में आप लोग देख सकते हैं कि ये रो है, ये सारी जो हम मेक इससे शो कर रहे हैं वो, ये हमारे पास काउंटिंग लिखी हुई है, और हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो ए बी सी से उसने शो किए हैं। एक और चीज़ आप लोग नोटिस करें, तो यहाँ पर जिस भी मैं सेल के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, यही सेल्स हैं। ठीक है, इन सेल्स के ऊपर अगर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर उनका एड्रेस लिखा हुआ था कि ये डी है, इसका कॉलम है, और इसकी रो 3 है। ठीक है, अगर मैं इधर जा रही हूँ तो आप इधर नोटिस करें कि ये चेंज हो रही है सारी चीज़ें। तो खैर, अब हम एक और चीज़ जिसमें है वो देख लेते हैं। इंसर्ट करने थे हमने इसके अंदर चार्ट्स, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के चार्ट्स हैं जिनको आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं, लेकिन हम पुट करेंगे नहीं क्योंकि ये पेपर में आएगा नहीं। बस हमने कॉन्सेप्ट बताना था कि इंसर्ट में आके चार्ट्स जो हैं चार्ट्स के अंदर हैं हम पुट कर सकते हैं। इसमें जो करने वाली चीज़ है वो एक चीज़ है, और वो है फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अभी यहाँ पे देखिए सारा सिस्टम इसका वर्ड वाला ही है, हम लोग कलर्स वगैरह साइजिंग वगैरह दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ डाल देती हूँ कि मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसको डाल दिया। उसके अलावा मैं यहाँ पर रैंडमली और भी कोई चीज़ डाल देती हूँ, नंबर्स वगैरह ऐड करती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर भी फंक्शंस अप्लाई करके देखने हैं। तो हमने ये देखना है कि इसके अंदर क्या बनेगा। डी को ख़त्म कर दो, 8 को, और यहाँ पे 5 डाल देती हूँ, यहाँ पर 3, और यहाँ पर मैं सारे ए बी सी नहीं डालनी, इसके अंदर मैं सारा यही डाल देती हूँ। आप इसको देखें, अगर आप इसके साइड पे क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो हर चीज़ का हर सेल उसको चेंज कर देगा। अगर इसको ड्रैग करेंगे क्लिक करके तो आप इसके अंदर से कर देते हैं। अभी मैंने कंट्रोल सी किया तो इसलिए ये मूवमेंट हो रही है इसकी, और ये मैंने कुछ सेल्स इसलिए किए हैं कि मैं इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। तो ये जो था ये मैंने सारा डाटा लिख लिया। ठीक है, इसको मैं भी हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं, और मैं येलो कलर से ही हाईलाइट करूँगी। ये आप कह सकते हैं ये हमारे पास है डाटा, और जो हमारे पास फंक्शन उन्होंने दिए हैं, एक फंक्शन उन्होंने हमें दिया सम का, एक उन्होंने हमें जो फंक्शन है वो दिया हुआ है एवरेज का। ठीक है, उसके अलावा एक फंक्शन उन्होंने हमें दिया हुआ है मैक्स का, यानी मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद एक फंक्शन है मिनिमम वैल्यू का, और द थर्ड वन है काउंट, फाइव फिफ्थ वन है हमारे पास काउंट का।
ठीक है, यही फाइव फंक्शंस हैं, फाइव फंक्शंस हैं। और इसके लिए आपने जो चीज़ याद रखनी है कि फंक्शंस जब भी आपने लिखने हैं स्प्रेडशीट के अंदर, सबसे पहले इज इक्वल आप डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ वो फंक्शन लिखना है, क्योंकि बुक में सिर्फ पाँच हैं, अगर ये पाँच बहुत ईजी हैं, ठीक है, आपको ये पढ़ के एक दो याद हो जाएंगे। आपने सम लिखना है, सम के आगे आपने छोटी ब्रैकेट डालनी है, या पैरेंथेसिस भी कह लें आप इसको। तो उसके बाद जो आपने करना है, आप देखें कि अगर मैं इस पे ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर नंबर वन लिखा रहा है और बी थ्री लिखा रहा है, यानी कि बी हमारे पास कॉलम है और थ्री हमारे पास रो है, तो ये बी थ्री का है। अगर आपको ये सारी ऐड करनी है तो आप इसके पर क्लिक करके रखें और माउस को आगे तक मूव करना, तो ये ड्रैग होकर सारा कुछ आ जाएगा। ये बेशक यहाँ पे हमें सारा बड़ा लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसको थोड़ा ओपन करके मैं दिखाती हूँ, शायद आए, नहीं आ रहा, नहीं हम छेड़ते भी नहीं इसको, ये ऐसे मैं करती हूँ, हो सकता है अब नज़र आएगा। तो जैसे अभी मैं यहाँ पर, अभी मेरा रेज हो गया, इज़ इक्वल, फिर से सम लिखेंगे, फिर हमारी जो छोटी ब्रैकेट है उसको खोलेंगे, और यहाँ पर मैं क्लिक कर रही हूँ, तो ये देखें मैं साथ साथ लिख रही हूँ, तो ये सारे इसमें ऐड हो गए हैं, ये इसमें कॉलन लगा, यानी कि F3 तक सारे आ गए हैं इसके अंदर। और फिर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर करेंगे। अब ये सम में हुआ क्या है कि जितनी भी ये सारी वैल्यूज़ थी उसने उसको सम करके उसका आंसर इधर लिख दिया है, ठीक है, और ये इसका काम था। और यही आप अगर दोबारा हर चीज़ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये साइड पे एक बॉक्स बना नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आएंगे तो आप देखें हमारा माउस चेंज हो रहा है, आप इसको क्लिक करके रखें और माउस को नीचे मूव करें, ड्रैग करें, और यहाँ पर आ जाएगा। अब आप ये एक चीज़ देखेंगे कि हर किसी का आंसर जो है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हमारे ऊपर एक ही फंक्शन हर किसी के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रहा है, और वो हर किसी का अलग अलग आंसर हमें दिखा रहा है। अब इसको हम हाईलाइट कर देते हैं किसी और कलर से, ताकि ये प्यारा प्यारा लगे, ठीक हो गया। अगर एवरेज है, एवरेज के लिए भी बिल्कुल वैसे ही करना है, इज इक्वल, एवरेज की स्पेलिंग लिख दें, फिर छोटी ब्रैकेट, और उसके बाद फिर वही काम करना है कि इधर आना है, इसको क्लिक करके रखना है, एंड तक आना है, छोड़ना है, और फिर सॉरी गलती से मैंने एंटर पहले दबा दिया, इज़ इक्वल, बल्कि नहीं ठीक ही दबाया, तो ये सबका एवरेज आ गया, ठीक है। इसको भी हम अगर पकड़ें और इसको नीचे तक ड्रैग करें तो हर किसी का ये एवरेज निकाल कर ले आएगा और डिफरेंट निकाल कर लाएगा। अब हम इसको भी जो है वो कलर कर लेते हैं, इसको अलग डिफरेंट कलर देंगे। उसके बाद मैक्स के लिए भी यही करना है, इज़ इक्वल, सिर्फ मैक्स लिखेंगे हम कि हमें मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि इसके अंदर क्या थी, फिर हमारी ब्रैकेट, फिर हम इसको ड्रैग करेंगे सारा, और फिर हम एंटर करेंगे, और हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है कि 5778 जो थी सबसे बड़ी वैल्यू थी उसने लिख दिया। फिर इसको हम ड्रैग डाउन करेंगे और हर किसी की इस यही आ रही है, क्योंकि हमने एक रो में सारा काम ये इसी का लिखा हुआ था। इसका भी अब कलर हम कोई भी चेंज कर देंगे, ग्रे कर दें। मिनिमम के लिए भी इज़ इक्वल मिनिमम लिखेंगे, और इसके बाद फिर से इस सारे को ड्रैग करेंगे, एंटर करेंगे, और आ गया। फिर इसको पकड़ के इसको एंड तक ड्रैग करेंगे तो इसका ये मिनिमम नंबर आ गया। फिर इसको प्यारा करने के, अब हम इसको कोई कलर दे देंगे, इसको डिफरेंट कलर देना है, ये कलर दे दिया। फिर अब काउंट के लिए आ गया, फिर इज़ इक्वल लिखेंगे, फिर काउंट लिखेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इसको ऑल को सेलेक्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे, और इसका आ गया काउंट। काउंट का क्या मतलब है? एवरेज का हमें पता लग गया, इन सबका एवरेज है सम, इसका सबसे सम करना मतलब इसको इकट्ठा किया, इसको जमा करके लाए हैं, मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू, मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू लेके आए। काउंट का मतलब है कि इसके अंदर कितनी चीज़ें जो हैं ऐड हुई हैं, यानी इसके अंदर कितने जो हैं वो हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, तो वो इसने इसके अंदर जितने जमा किया था वो लेके आया है। तो इसको भी पकड़ेंगे, इसको भी ड्रैग नीचे करेंगे, और ये सबका बता देगा, सबके फाइव फाइव हैं क्योंकि हमने सबके इक्वल रखे थे, और इसका भी कलर हम ले आए हैं। तो ये भी इसका काम जो है वो हो गया है खत्म, तो यहाँ तक ही इसका था। इसके बाद देख लें इसमें कोई चीज़ हो रहा है तो नहीं गई। MS Excel में ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये सारी जो अभी मैं ऊपर दिखा के आई हूँ ना, ये सारा वही लिखा हुआ है। इसको देख के परेशान नहीं होना, ये MSSS आ गए हैं, इसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई। बेसिक फार्मूला से हम अभी कर कर आ रहे हैं, ये हमने देखा है, हमने डाल के नहीं देखा, लेकिन हम देख आए हैं इसको। फॉर्मेट हमारा ठीक हो गया, हर चीज़ जो है वो हमारी भी क्लियर हो गया। इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फार्मूलाज को नहीं देखना, रिव्यू को भी नहीं देखना, व्यू को बिल्कुल भी नहीं देखना, तो ये सारी चीज़ें बुक में आई नहीं तो इसलिए उनको नहीं देखना। ये एक चार्ट्स का था, ये हम देख चुके हैं, और इसके अंदर हर चीज़ जो है वो कंप्लीट हो गया। बस अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।